बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे वो ग्रेडियंट सीखेंगे। ठीक है, और उससे पहले डेल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि चेंज लेके आता है किसी भी फंक्शन में। ठीक है, और रिटर्न डेल ये इसका क्या है, हमारे पास साइन है। ठीक है, ये साइन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो छुपे हुए पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है डेल ऑपरेटर, ये हमारे पास होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर और पार्शियल पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल पार्शियल जी के। ठीक है, या आप इसको दूसरी तरह ये लिख सकते हैं कि आई जे के को फर्स्ट में लिख लें और फिर इस पर अप्लाई करें। अब बात रहती है जी, हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्चुअली हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जब वेरिएबल्स आ जाएँ तो उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का सहारा लेते हैं। और इसमें यह होता है कि जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, ठीक है, वही आपका जो है वो वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, और बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन एफ है, आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका लेना है जी, एक्स लेना है, तो आप एफ एक्स लेंगे, जस्ट ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स इंटू वाई, तो वाई यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा। तो पार्शियल डेरीवेटिव हमारे पास क्या होते हैं, जस्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जिसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना होता है, जस्ट उसको वेरिएबल ट्रीट करते हैं, बाकी सारे हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, जिस फंक्शन के वेरिएबल्स में हमने चेंज लेके आनी है, वही फंक्शन हमारा क्या होगा, ट्रीट होगा एज ए वेरिएबल, और बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। वन थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास दिस वैक्टर ऑपरेटर, ये जो हमारे पास वैक्टर ऑपरेटर है, पोजेसेस प्रॉपर्टीज एनालॉगस टू दूज ऑफ द ऑर्डनरी वैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वैक्टर्स, ऑर्डनरी वैक्टर्स जो हम लेते हैं, ये एक वैक्टर का जो है वो रोल प्ले करता है। जो डेल ऑपरेटर है एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एक वैक्टर है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेरीवेटिव्स हैं। ठीक है, और वो डेरीवेटिव्स क्या हैं, पार्शल डेरीवेटिव्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, आर होता है, हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक्स वाई जी, ये हमारे पास कंपोनेंट एक्स वाई जी विदाउट डेरिवेटिव्स होते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या चेंजिंग आई है, यहाँ हमारे पास उसमें डेरिवेटिव्स आ गए। नेक्स्ट जो है, इट इज़ यूजफुल टू द डिफाइनिंग थ्री क्वांटिटीज व्हिच अराइज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड आर नाउन एज द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये ग्रेडियंट को आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइवर्जेंस को और नेक्स्ट हम कर्ल को डिस्कस करेंगे। द ऑपरेटर डेल इज आल्सो नाउन एज अ नेबला, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, नेबला होता है, राइट। अब हम इस ग्रेडियंट को डिस्कस करते हैं कि ग्रेडियंट हमारे पास क्या है। हमारे पास द ग्रेडियंट, उसकी डेफिनेशन है, लेट फाई ऑफ एक्स वाई जी, ये हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है, बी द डिफाइंड एंड द डिफरेंशिएबल एट पॉइंट दिस, ये हमारे पास क्या है, डिफाइंड है एंड डिफरेंशिएबल है, मतलब कि इसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं एट पॉइंट एक्स वाई जी पे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन में हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की हुई है, द सर्टन रीजन इन अ सर्टन रीजन, ठीक है, ऑफ स्पेस फाई इज डिफाइंड डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड, ये हमारे पास डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट एक्स वाई जी, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, एक स्केलर फील्ड है। ठीक है, फील्ड में से हैं, और ये डिफाइंस एट द डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड। ठीक है, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई रिटन एज दिस, इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, डेल फाई से, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेल फाई से लिखते हैं ग्रेडियंट, इसको ऐसे भी लिखते हैं जी आर ए डी, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये भी ग्रेडियंट ऑफ फाई है। ठीक है, ये भी ग्रेडियंट, ये लिख लें या लिख लें, दोनों सेम। तो डेल फाई हमारे पास क्या होगा, पार्शियल पार्शियल एक्स आई पार्शियल पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल पार्शियल जी के, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर आ गया, और साथ में क्या आ गया, फाई।
और फाई क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका हम डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वाई एंड देन जी, राइट, और साथ में हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। नोट दैट डेल फाई डिफाइंड द वेक्टर फील्ड, जो डेल फाई है ग्रेडियंट है एक्चुअली ये हमें वेक्टर प्रोवाइड करता है, डिफाइंड द वेक्टर फील्ड, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब ये अप्लाई होता है किसी भी स्केलर पे तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वेक्टर प्रोवाइड करता है। द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वैक्टर ए, कोई भी हमें एक वैक्टर दिया है उसका हम यूनिट वैक्टर फाइन करेंगे, गिवन बाय द डेल फाई डॉट ए, हमें कोई एक वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन है, हम इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है, उसमें मोस्ट ये क्लियर हो जाएगा, हमें कोई भी एक वैक्टर गिवन है, ठीक है, उसका हम यूनिट वैक्टर फाइंड करेंगे, और ये डेल फाई, ठीक है, एक हमें स्केलर फील्ड जो है वो गिवन है, उसके हम ग्रेडियंट फाई फाइंड करेंगे और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट जो हमारा है वो हमें एक स्केलर नंबर प्रोवाइड करेगा जो कि ये बताएगा कॉल्ड इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जो कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताएगा, ठीक है, वो बताएगा कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है या हमारे पास डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। और फिजिकली दैट इज द रेट ऑफ चेंज फाई एट दिस इन द डायरेक्शन ए, ठीक है, फिजिकली दिस द रेट ऑफ चेंज, और फिजिकली भी वो हमें प्रोवाइड करेगा, ये फिजिकली एक्चुअली बताएगा कि ये हमारे पास कितनी रेट से इसमें चेंज आ रही है, ठीक है। और इसका फिजिकली अभी मैं आपको मोस्ट और क्लियर कर देता हूँ कि फिजिकली हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्रेडियंट की डेफिनेशन, अब इसको फिजिकली चेक करते हैं, देन फिर हम इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स तो ये हमारे पास है इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन में हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास डिफरेंट शेप्स के जो हैं वो डायग्राम दिखाए गए हैं, इसमें ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू एरोस, ये एरोस जो हैं ये शो करेंगे किसको, ग्रेडियंट को शो करेंगे, और ये एरोस जो हैं डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन, हमारे पास कोई भी एक स्केलर फंक्शन है उसमें ग्रेटेस्ट चेंज बताएगा, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्रे स्केल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द वाइट स्केल, ये देखें वाइट जो है वहाँ से ये जो है वो मूव कर रहे हैं और ये ग्रे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और इधर भी हमारे पास इसी तरह ये जो ग्रे है यहाँ ये बता रहा है कि इसकी जो है वो चेंज है वो ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ द स्केल, ये ग्रेटेस्ट है यहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास ग्रे है वहाँ इसकी चेंज क्या है, ग्रेटेस्ट है, और यहाँ इसकी क्या है चेंज हमारे पास लोएस्ट है, ठीक है, राइट। तो ये हमें क्या बताता है ग्रेडियंट, दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कोई भी एक सपोज करें कि हमारे पास कोई एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है, और वो हमें क्या बता रहा है, टम्परेचर को बता रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी एक फंक्शन है वो टम्परेचर को बता रहा है और ग्रेडियंट उसमें क्या रोल प्ले करेगा, द ग्रेडियंट आल्सो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम चेंज, उसमें बताएगा कि इसके मैक्सिमम चेंज कितनी है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में इफ़ वी थिंक एफ इज़ डिस्क्राइबिंग द टम्परेचर, हमारे पास कोई भी एक टम्परेचर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई कोई भी एक फंक्शन है, देन द ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन इन विच द टम्परेचर इज इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली, ठीक है। हमें क्या बताएगा कि हमारे पास एक कोई भी फंक्शन एफ जो कि हमें टम्परेचर बता रहा है कि हमारे पास ये टम्परेचर है और ग्रेडियंट उसमें क्या रोल प्ले करेगा, जब हम उसका ग्रेडियंट लेंगे हमें ये बताएगा कि ये जो हमारे पास टम्परेचर है ये किस डायरेक्शन में कितनी तेज़ी से जो है इसकी मूव कर रहा है या ये फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो उसकी मोस्ट रैपिडली हीट फ्लो को ये डिस्कस करेगा जो हमारा डेल एफ होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि कोई भी एक फंक्शन है जो कि टम्परेचर का फंक्शन सपोज करें नहीं, तो हमें डेल एफ उसका लेंगे तो ये हमें उसकी हीट फ्लो एक्चुअली बताएगा कि कितनी रैपिडली हीट फ्लो इसमें हो रही है या कितनी तेज़ी से हम ये जो है हीट इसमें जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा, ग्रेडियंट एफ बताएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो ग्रेडियंट एफ है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और कोई भी फंक्शन है
उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे हम वैसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, पार्शियल लेते हैं या ऑर्डरली लेते हैं, तो वो चेंज इन फंक्शन बताता है। बट जो हमारे पास ग्रेडियंट है, ये चेंज इन फंक्शन के साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है कि उस फंक्शन में चेंज किस डायरेक्शन में आई है, नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, स्लो आई है, और उसकी या उसमें क्या आई है, या उसने बताया कि ग्रेटेस्ट आई है। ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम इनकी अब एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जो कि फिर मोस्ट ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास, इसको एग्जांपल वन कह दें, ठीक है। ये हमें एक स्केलर फील्ड गिवन है, स्केलर फील्ड फंक्शन गिवन है फाई ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। हमने इसका ग्रेडियंट एफ फाइंड करना है एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे हमने इसका ग्रेडियंट एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर हमारे पास इस चीज़ की इक्वल होता है। उसके बाद हम फाई लिखेंगे, और फाई हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। ये स्केलर फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। यहाँ से इसका सलूशन शुरू हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ से इसका क्या हो रहा है, सलूशन शुरू हो रहा है, ठीक है। और डेल एफ डेल फाई, ठीक है, ये हमारे पास डेल आ गया, फाई आ गया। ये सबसे पहले यहाँ जाएगा क्योंकि ये फाई है, फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये स्टेप आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। बाकी सारे कांस्टेंट रेट होंगे, वाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स का क्या आ जाएगा, ये टू नीचे और इसमें से एक कम, तो सिक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, सिक्स एक्स। और साथ में ये वाई कॉन्स्टेंट है, वो वैसे आ गया, ये दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। दिस इज कॉन्स्टेंट, तो दीज आर द कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और ये टोटल करें तो ये एक नंबर बनेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, साथ में आए यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमारा इस वाई का लेंगे, तो वाई दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये दोनों टर्म में आएंगी, ठीक है। इस वाई में हमने लिया, तो वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, तो वन आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर आ जाएगा जस्ट, तो थ्री एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वेयर आ जाएगा, और साथ में जी स्क्वेयर वैसे। और सिमिलर इसका हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी लेंगे, ठीक है। जब जी लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जी नहीं है, कांस्टेंट रेट होगा। और ये हमारे पास वाई क्यू वैसे, और जी का क्या आ जाएगा, टू जी हमारे पास आ जाएगा, जी स्क्वायर का, ठीक है। ये टू जी वाई वाई क्यूब इंटू के यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास वैसे आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास ये पॉइंट है, तो यहाँ इसको इस तरह भी लिख लें, डेल फाई एट पॉइंट वन माइनस टू एंड वन। हमने इसके जगह एक्स की जगह ये एक्स का पॉइंट है, ये हमारे पास वाई का पॉइंट है, और ये हमारे पास जी क्या है, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू वन पुट कर दें, और वाई इजिकल टू माइनस टू पुट कर दें, और जी इजिकल टू माइनस वन पुट कर दें। तो इसके अंदर जब हमने पुट किया ये, तो हमारे पास ये आ गया माइनस ट्वेल्व वाई माइनस नाइन जे एंड माइनस सिक्सटीन के, ठीक है। तो ये है इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट भी इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। प्रूफ है, इसको प्रूफ करना श्योर दैट दिस, तो हम इसका प्रूफ करते हैं जी। तो हम इसकी लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डेल नेबल ऑपरेटर इनटू आर पावर एन, ठीक है। तो सबसे पहले आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के। तो आर क्या होगा, आर इसकी क्या होती है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वायर, राइट। तो आर आ गया हमारे पास, जस्ट इसका हमने ऑपरेट करना है, जस्ट ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर देते हैं डेल आर पे। नेक्स्ट जो है इसमें, अगर इसकी पावर एन है तो यहाँ इसकी पावर एन ले लें, आर पावर एन, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, वन बाय टू पहले है तो ये आ जाएगा एन बाय टू, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये अप्लाई कर दें डेल आर एन, और यहाँ डेल अप्लाई किया तो इधर भी हम क्या करेंगे, डेल अप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर एन बाय टू, ओके गुड। नेक्स्ट इसमें हमारे पास डेल ऑपरेटर क्या होता है, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी, ये पार्शियल जी, और ये हमारे पास आ जाएगा
इस पे अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, एन बाय टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एन बाय टू, ठीक है। यहाँ हम आई यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल पार्शियल वाई, और यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एन बाई टू, और प्लस हमारे पास के यूनिट वेक्टर पार्शियल पार्शियल जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एन बाई टू, राइट जी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसके डेरिवेटिव ले लेंगे, जस्ट आई यूनिट वेक्टर, वैसे इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास सबसे पहले पावर है, पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा एन बाय टू, और इसमें से एक कम एन बाय टू माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, टू एक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह इसका लेंगे एन बाय टू, और टू वाई आ जाएगा। नेक्स्ट इसका लेंगे हम एन बाय टू, टू जी आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये टू तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सबके इसके साथ, ठीक है, और ये सब में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, तो कॉमन ये कितना है वैसे, ओके। नेक्स्ट एन भी कॉमन आ रहा है, एन कॉमन ले लें, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, एन भी कॉमन आ गया, और ये चीज़ भी सब में कॉमन है। यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक्चुअली यहाँ हमारे पास एक्स आई बच गया प्लस वाई जे बच गया प्लस जी ए बच गया, ठीक है, इसमें एक्स और साथ में आया, इसमें वाई प्लस आया, में ये चीज़ बच गई, और इसकी पावर कितनी है यहाँ, एन बाय टू माइनस वन, ठीक है, ओके। ये हमारे पास क्या है एक्चुअली, ये एन ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास आर स्क्वेयर की इक्वल है, यहाँ आर स्क्वेयर आ गया एन बाय टू माइनस वन, और ये हमारे पास किसके इक्वल है एक्चुअली, आर की इक्वल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर वेक्टर की इक्वल है, इसको आर वेक्टर कहने। नेक्स्ट में ये क्या है, ये टू इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा क्या एक्चुअली, आर ये टू से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हमारे पास एन आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस क्या आ गया, हमारे पास टू आ गया, और साथ में क्या है, आर वेक्टर। तो एक्चुअली यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, ये उसकी क्या है, राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने ग्रेडियंट की डेफिनेशन में एक चीज़ जो है वो डिस्कस की थी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है, ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये हमें एक स्केलर फील्ड स्केलर फंक्शन जो है वो गिवन है, स्केलर फील्ड ऑफ फंक्शन गिवन है एट वन माइनस टू, दिस हमें पॉइंट भी गिवन है, इन द डायरेक्शन ऑफ, एक हमें वैक्टर भी गिवन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है तो आप फाइंड करें। इसमें दो चीज़ें गिवन होगी, एक तो हमें फाई गिवन होगा, स्केलर फंक्शन गिवन होगा, दूसरा एक वेक्टर भी गिवन होगा, ठीक है, जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पूछेंगे, तो आप सबसे पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे डेल फाई, तो वो हमारे पास आ गया एट पॉइंट दिस,
एट आई माइनस जे माइनस टेन के, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, ठीक है, जो आपको गिवन है। तो यूनिट वेक्टर हम वेक्टर ओवर उसकी क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड पे डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर को हम ए को क्या करते हैं, उसका जस्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज दिस, डेल फाई को हम ए से क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये वाला इससे जस्ट मल्टीप्लाई, और ये वाला जस्ट इससे मल्टीप्लाई, और ये वाला इससे, और आई डॉट आए, ठीक है, ये हमारे पास वन, जे डॉट जे ये वन, और के डॉट के ये हमारे पास क्या होता है, वन वन होते हैं, राइट। तो ये वन वन हो जाएंगे, 16 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 20 बाय 3, तो ये आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हमें सेंस दिस इज द पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, फाइव इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये फाइव हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जो हमें ये बताता है ग्रेटेस्ट जो है इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये था हमारे पास ग्रेडियंट का टॉपिक, ठीक है।